तभी पुलिस भर्ती का पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। वहीं सीएम योगी ने दावा किया था कि पेपर लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन पेपर लीक करने वालों पर योगी की चेतावनी का कोई असर नहीं दिख रहा है, जिस कारण एक बार फिर से सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ी है और इसे लेकर विपक्ष ने योगी सरकार को घेर लिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी पुलिस भर्ती का परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद सीएम योगी ने इसे रद्द कर दिया था और अब पेपर लीक की वजह से यूपी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती परीक्षा रद्द करनी पड़ी, जिसके बाद विपक्ष ने योगी सरकार को घेर लिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, छात्रों के विरोध के बाद अब उत्तर प्रदेश में आरओ और एआरओ की परीक्षा भी रद्द हो गई है, जिसका कुछ महीने में रिजल्ट आना था। अब उस परीक्षा की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। क्या पेपर लीक को उत्तर प्रदेश के युवाओं की नियति बना दिया गया है? वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा हटाओ नौकरी पाओ। उन्होंने पोस्ट किया, आरओ एआरओ परीक्षा का रद्द होना बताता है कि भाजपा पहले हर संभव कोशिश करती है अपनी नाकामी को छिपाने की, लेकिन जब जनता का दबाव पड़ता है तो चुनावी हार के डर से पीछे हटती है। भाजपा हटाओ नौकरी पाओ। बता दें कि अभ्यर्थी परीक्षा के बाद से ही सोशल मीडिया पर पेपर लीक का दावा कर रहे थे और परीक्षा रद्द कर री एग्जाम की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा और अब आरओ और एआरओ भर्ती परीक्षा रद्द करनी पड़ी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।